सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2020। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो सीआरपीएफ की ओर से बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यानी कि सीआरपीएफ की ओर से यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है और आप इस भर्ती में किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी आई हुई है, यानी कि भारतीय किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और इस भर्ती में आपको टोटल वैकेंसी दी गई है 1179 वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई, यानी कि 1179 वैकेंसी आपको यहाँ पर टोटल मिलने वाली है। और अगर आपके हाइट 153 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यानी कम से कम अगर आपके हाइट 153 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने 12वीं पास किया है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो इस भर्ती की होगी, आपको जो अपना आवेदन फिल करना है ऑनलाइन मोड से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा, और जो इस भर्ती के आवेदन है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, कहाँ से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखते रहना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती की फिजिकल डिटेल के बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो आज क्वेश्चन होगा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बाल किस विटामिन की कमी से गिरते हैं। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, इनमें से कोई नहीं। जो भी आपको राइट आंसर लगा हो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज यार इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बता कर जाना। तो फ्रेंड्स, ये रही आपके सामने इस भर्ती की फिजिकल डिटेल, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जो आपके यहाँ पर हाइट रहेगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन रहने वाले, यानी कि अलग अलग आपके यहाँ पर हाइट और वेट रहेगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मन है तभी लाइक करना है, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होगी जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना अनिवार्य है। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पर 162 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। और जो फीमेल कैंडिडेट रहेगी जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर एसटी कैंडिडेट के लिए 154 सेंटीमीटर रहेगी, नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। अब देखें फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बताकर जाना है। जो आपके यहाँ पर चेस्ट है केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए होगी, जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट के लिए 80+5 सेंटीमीटर का आपका फुला होना अनिवार्य है, एसटी कैंडिडेट के लिए 77+5 सेंटीमीटर का आपका फुला होना अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड, जो आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी दी गई है वो भी यहाँ पर मेंशन की गई, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ से कर पाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी दी गई है 1179 वैकेंसी दी गई है टोटल। जो आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा ऑनलाइन मोड से आपको इस भर्ती में आवेदन करना है, यानी केवल और केवल आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड से ही अपना आवेदन फिल करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो इस भर्ती में आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि भारतीय किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आप करेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको सैलरी दी जाएगी 35,100 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल रहेगा, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये पर कैंडिडेट आपको पे करना होगा, एससीएसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आप आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती की जो एज लिमिट रहेगा 20 ईयर से लेकर 25 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी 1 अक्टूबर 2020 को की जाएगी, यानी कि 1 अक्टूबर को आपकी एज न तो 20 से कम हो न 25 से ज़्यादा हो। अगर आप एससीएसटी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 5 ईयर की छूट मिलेगी, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मैं आपको फिजिकल डिटेल के बारे में पहले ही बता चुका हूं। जो आपके यहां पर दौड़ रहेगी, यानी कि जो आपका रनिंग टेस्ट होगा, 100 मीटर की दौड़ आपको यहां पर 16 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ आपको यहां पर 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। जो आपका यहाँ पर लॉन्ग जंप रहेगा 3.65 मीटर रहेगा, इसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप जो रहेगा 1.2 मीटर आपको 3 चांस दिए जाएंगे। गोला फेंक आपको यहाँ पर 4.5 मीटर 3 चांस में कंप्लीट करना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगा 100 मीटर की दौड़ आपको 18 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। 800 मीटर की दौड़ आपको यहाँ पर 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप आपका जो रहेगा 2.7 मीटर 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप आपको 0.9 मीटर आपको यहाँ पर 3 चांस
दिए जाएंगे, जो वेट होगा वो हाइट के अनुसार लिया जाएगा। इस भर्ती को जो वैकेंसी दी गई है वो यहाँ पर इंस्पेक्टर जीडी यानी कि सब इंस्पेक्टर जीडी के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। इस भर्ती का जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर आपका यहाँ पर पीटी होगा यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जाम रहेगा। अगर आप इस भर्ती की हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर हिंदी में जानकारी सभी प्रकार की दी गई है। अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं जो कि स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट की डिटेल होना अनिवार्य। सबसे पहले फोटो सिग्नेचर, जो फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए लाइट कलर का होना अनिवार्य है। एजुकेशन सर्टिफिकेट की सभी डिटेल आपके पास होना अनिवार्य। डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और आधार कार्ड यानी कि एक आपके पास आईडी प्रूफ भी होना अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड, जो आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है वो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दी गई है। यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 4 CRPM में वैकेंसी आई हुई है मेल और फीमेल यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसकी डिटेल बताऊँ तो UR कैंडिडेट के लिए 421 वैकेंसी है, EWS के लिए 104 वैकेंसी है, OBC के लिए 281, SC के लिए 156, ST के लिए 78 और टोटल जो वैकेंसी होगी 1040 वैकेंसी होगी मेल कैंडिडेट के लिए। जो फीमेल के लिए होगी 13 UR के लिए रहेगी, EWS के लिए 3 रहेगी, OBC के लिए 9 रहेगी, SC के लिए 5 रहेगी, ST के लिए 2 रहेगी। टोटल आपको यहाँ पर 32 वैकेंसी दी गई मेल कैंडिडेट के लिए, जो टोटल वैकेंसी आपके यहाँ पर हो जाएगी 1072 हो जाएगी। प्लस आपको यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर 107 वैकेंसी दी गई है। जिस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी वो आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। जिस भर्ती के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 17 जून 2020 से, जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 16 जुलाई 2020 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है, यानी कि इसकी लास्ट डेट जो रहेगी 16 जुलाई 2020 रहेगी। जो आपके यहाँ पर फीस की लास्ट डेट रहेगी 18 जुलाई रहेगी। जो इसकी ऑफलाइन अगर आप फीस पे करना चाहते हैं जो उसमें आपकी लास्ट डेट रहेगी 22 रहेगी, 22 जुलाई रहेगी, यानी कि जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो यहाँ पर 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा फर्स्ट पेपर। जो सेकेंड पेपर आपका होना है 1 मार्च 2021 को, यहाँ पर सेकेंड पेपर भी आपका बताया गया है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ग्रुप आप हमारे यहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आप वैकेंसी की डिटेल लेना चाहते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, ये आप यहाँ से डाउनलोड भी कर पाएंगे। शॉर्ट नोटिस है जो कि अगर आप फुल नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं, फुल नोटिस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए। लेकिन उससे पहले जो भर्ती का एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है। आपको हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, आप यानी कि आपको यहाँ पर चेक करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर आना है, 12वीं प्लस ग्रेजुएशन डिग्री होना अनिवार्य है। वो आपने किसी भी स्ट्रीम के साथ किया है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस 12वीं की हुई है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अब देखें फ्रेंड्स, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन करना है, तो उस वीडियो के लिए कम से कम अगर इस वीडियो पे 300 प्लस लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, नोटिफिकेशन आपको हैंड यहाँ से डाउनलोड करना है, आप वो वीडियो यहाँ से देख पाएंगे। तो नोटिफिकेशन आपको है यहाँ से डाउनलोड कर लें जो कि फुल नोटिफिकेशन आया हुआ है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो SSC की ओर से नोटिस जारी किया गया है आप यहाँ पर इसमें चेक कर पाएंगे। SSC यहाँ पर इस बार ये भर्ती करा रही है सब इंस्पेक्टर के लिए। आप यहाँ पर CRPF की वैकेंसी देख पाएंगे, टोटल वैकेंसी भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे 1072 प्लस आपको 107 वैकेंसी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए दी गई है, तो आपको यहाँ पर CRPF भी ज्वाइन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है, आप आवेदन कर पाएंगे। वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और आपको हमारी वेबसाइट पर दिया गया किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।